अस्सलामुअलैकुम। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम मेरी बिल्लियाँ मर गई थी, और वैसे भी यार अल्लाह के रास्ते चलते हैं तो सब्र करना पड़ेगा यार। अगर हम भी शौक़ रखते हैं अल्लाह की तरफ जाने के लिए तो हम भी सेल्फिश हैं, क्योंकि एक ना एक दिन हमने भी जाना है, तो बाकियों को भी सब्र करना, क्योंकि इस्लाम में सब्र करना सिखाया। और देखो, हम कोई भी चीज़ किसी को बिलोंग नहीं करती, वो सिर्फ अल्लाह ही की, और अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही वापस लेता है। तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा शौक नहीं बनाना चाहिए, और आप अगर आप अल्लाह के ऊपर ट्रोली बिलीव करते हो, नेक्स्ट वर्ल्ड के ऊपर आप ट्रोली बिलीव करते हो। अब ये कि मैंने जाना था, यूथ क्लब का इवेंट हो रहा था, अभी भी साहिवाल पहुंचा हूं, और मैं एक घंटा लेट हो गया हूं, क्योंकि बस भी आधा घंटा लेट है। ये डैड ने गाड़ी लाने से, वैसे मैंने किया था गाड़ी प्रॉब्लम की वजह से, और ट्रैफिक भी काफ़ी था। और अभी हम साहिवाल पहुंचे, और मैं बिना टाइम वेस्ट करे हॉल में जाता हूं, और आई विश कि मैंने कुछ खास ज़्यादा मिस ना किया, और जो उनका गेट टुगेदर है वो छोटा ना हो। वैसे देखो, अल्लाह के रास्ते चलते हो तो अल्लाह आपके रास्ते खोलते हैं। मेरी बैटरी लो थी, मैंने कहा मैं क्या करूँगा, पावर बैंक भी चार्ज नहीं था, मगर जिस बस में आया वहाँ पे सामने ही चार्जर दिया होता है, जो काफ़ी फूल है, नॉर्मली नहीं होता। ये तो अपने रिक्शे वाले को भी कहने की जरूरत नहीं है कि भाई जल्दी चलाएँ, ये तो रिक्शे वाला वैसे ही तेज चला। कहीं मैं कितने दर मतलब आपका साथ है, इतना लग रस्ते चलते हैं। वही ये है कि मेरी मगरिब की नमाज रह गई है कज़ा, चलो ईशा के साथ पढ़ो। बहुत इस्लाम में आया, लेकिन अल्लाह ने एक मर्द खड़ा किया, एक रजुल खड़ा किया, जिसका नाम था सलाहुद्दीन अल-अय्यूबी। इट्स ऑलवेज वन मैन ब्रदर्स सिस्टर्स, इट्स ऑलवेज वन मैन। क्या कितना सब्र या रसूलुल्लाह, जिस तरह से फीहिन अलल मिसली अलल कब्ज़ जमर, जिस तरह से जलते हुए कोयले को पकड़ना होता है, दीन पे चलना इतना मुश्किल होगा जलते हुए कोयले को पकड़ना होता है। जो इस दौर में भी दीन पे चलेगा, अजरु खम्सीना मिनकुम, 50 के बराबर अजर मिलेगा उसे। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह, अजरु खम्सीना मिन्ना औ मिनहुम, या रसूलुल्लाह हमारे 50 के बराबर या उनके 50 के बराबर? आपने कहा बल अजरु खम्सीना मिनकुम, ऐ सहाबा तुम्हारे 50 के बराबर अजर होगा। जो इस दौर पर भी दीन पे चलेगा इंशाअल्लाह, उसका अजर 50 सहाबा के बराबर। 50 सहाबा गिने तो सही, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, अबू उबैदा बिन जर्राह, गिने तो सही। सो खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो आज दीन पे चलेगा उसके लिए जन्नतें हैं इंशाअल्लाह, और जो आज दीन पे नहीं चलेगा और आज डंडी मारेगा और आज इस दौर में फिसल जाएगा, उसके लिए भी अल्लाह के नबी की धमकी सुनाता हूं मैं आपको। आपने कहा लअअलमन अखवामा मिन उम्मती, मैं अपने उम्मत के लोगों को जानता हूं, यअतून यौमल खियामा बिहसनात अम्साल जिबाल तिहामा दल बैदा, वो क़यामत के दिन आएंगे आमाल लेके, नेकियां लेके, कितनी नेकियां, पहाड़ों के बराबर, तहामा पहाड़ के बराबर चमकती हुई नेकियां। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी नेकियां, कौन शख्स है ये, नेकियां लेके आ रहा क्या मतलब पहाड़ों के बराबर, क्या होगा इनकी नेकियों को। फयजअल्लाहु हबा मंसूरा, अल्लाह रेजा रेजा कर देंगे, मिट्टी मिट्टी कर देंगे। या रसूल अल्लाह सिर्फ हम लाना जुल हम लाना अल्लाह नकुना मिनहु,
وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ آپ یا رسول اللہ میں بتائیں کیا کرتے ہوں گے, ان کی ٹریٹس بتائیں تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں, وہ کیا کرتے ہوں گے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. کہا اِنَّهُمْ مِنْ اِخْوَانِكُمْ تمہارے بھائی ہوں گے, وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے. وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ تمہارے سکن کلر کے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ اللَّيْلَ رات کو اٹھتے ہوں گے قیام و لیل کے لیے, وضو کرتے ہوں گے, اللہ اکبر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں, بالکل ہی لفنڈر نہیں ہوں گے, نمازیں پڑھتے ہوں گے, تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے, کبھی کبھی تہجد پڑھتے ہوں گے, نیکیاں کرتے ہوں گے, دل میں دین کا جذبہ ہوگا, لیکن کیا کرتے ہوں گے؟ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى اِنْتَهَكُوهَا اللہ مستعان. یہ کام کرتے ہوں گے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے اپنے کمروں میں, پرائیویسی میں, اپنے کمرے کی کمفرٹ میں, جب گھر پہ نہیں کوئی ہوتا ہوگا, کوئی دیکھ نہیں رہتا ہوگا, وہ گناہوں میں انوالو ہوتے ہوں گے, وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے. اسیر زلف رخسار لوے جانا ہوا مسلم, کوئی اقبال سے کہہ دے شاہین مر گیا تیرا. ہم مسلمان جو تو آسمانوں کی طرف دیکھتا تھا, جس کے تو بڑے ویژنز تھے, بڑے ایم تھے, بڑے کام کرنے تھے ہم نے, کہتے کہ اسیر زلف و رخسار لبے جانا ہوا مسلم, ایک مسلمان اتنا گر گیا کہ بس بالوں کی خوبصورتی اور چہرے کی اور ہونٹوں کی خوبصورتی پہ پھنس گیا, اس کا قیدی بن گیا. کوئی اقبال کی قبر پہ جا کے اس کو بتا دے نیوز, اس کو خبر دے دے کہ تیرا جو شاہین تھا وہ اب زندہ نہیں, جو کچھ بھی میں نے کیا اللہ معاف کر دے گا. کہتا ہے خدا کی قسم اگر تو توبہ کرنے والا بن سکتا ہے تو میرا پیارا رب معاف کر سکتا ہے, بلکہ تو یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہگاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. اللہ تو محبت کرے گا تیرے سے. میرے پیارے بہن بھائیو, اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے گناہگاروں کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے گناہگاروں کے لیے. جہنم کو پیدا کیا ہے ان گناہگاروں کے لیے جو توبہ نہیں کرتے, اور جنت کو پیدا کیا ہے ان گناہگاروں کے لیے جو توبہ کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے, ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. ہم سب گناہ کرتے ہیں, کوئی چھوٹے کرتا ہے, کوئی بڑے کرتا ہے, کوئی غلطی سے کر دیتا ہے, کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے, کوئی چوری چھپے کر رہا ہوتا ہے کمرے میں بیٹھ کے, کوئی کھلم کھلا کر رہا ہوتا ہے, گناہ سارے کرتے ہیں, لیکن خوبصورت ہے وہ گناہگار جو توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا گناہ کر کے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, تو پھر اور کیا چاہتے ہو؟ لوگوں کو اطمینان ملتا ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اطمینان ملتا ہے, جن کو ان کے موت کے ٹائم کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو تیرے رب سے راضی, آ جا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا, آ جا اللہ تعالیٰ کی جنت. يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوخ من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحا فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سما إلى. السلام علیکم. تو یار عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہے, قضا نماز بھی پڑھ لی ہے, اور میں دروازے کے پاس کھڑوں گی, دروازہ بند نہ ہو جائے. یہ ہے کوئی درس کا ہے میرے حال سے, جیسے ہاسٹل لائف نہیں ہوتی یہاں پہ, وہ بچے جیتے ہیں, اور ساتھ ہی مسجد ہے, میں یہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا, پوری مسجد خالی تھی,
तो यार हम तो हमेशा ऐसे सोलो ट्रैवल करते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा सोलो ट्रैवल किया हुआ है और मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट क्या होना है। मुझे नमाज पढ़ते हुए टेंशन थी कि लॉक करके चले ना जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने लॉक नहीं किया तो मैं जल्दी बाहर आ गया हूँ अभी। तो ये रोड है आली रोड, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा यहाँ पर। किसी ना किसी तरीके से वापस जाना है। जाने से पहले मैकडोनल्ड खाना है, मुझे पता है साहिवाल में मैकडोनल्ड है, उसको तो ट्राई करके जाना है। तो यार इस तरह हम निकलते हैं सोलो, और सोलो निकलने का मज़ा है। और जब आपके साथ अल्लाह हो ना, अल्लाह जिसने ये दुनिया क्रिएट की है, जिसने इतना प्यारा चांद बनाया, तो फिर आपको घूमने का और भी मज़ा आता है। तो यार इट डजेंट मैटर आप रात को खेल रहे हो, किसी भी जगह पे हो, आपका एक शेड्यूल है कि आपने बस अल्लाह को सजदा करना, अल्लाह से बातें करनी है, चलना है, फिरना है, घूमना है, फिरना है, मुसाफिर की तरह ना। तो ये ऐसे फील्स आती हैं। आप देखो दिस प्लेस इज़ टोटली अननोन फॉर मी। मेरा घर कहाँ पे है, मेरे काम वाली जगह कहाँ पे है, उफ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह, साथ राइट साइड पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को देख के वैसे जान निकलती है, अल्लाह माफ़ी दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस टाइम तो मेरी टाटा फिश हो गई है सोच के भी, क्योंकि यार देखो अल्लाह के पास जाने का दिल करता है, मुँह से थोड़ा डर लगता है, इंसान को नहीं पता कि उसने कैसे करकुत किए, मेरे सवाल जवाब तो बने, मगर फिर भी अल्लाह के पास तो एक दिन हमने जाना ही है, तो उसकी तैयारी करनी है। अभी तो हम तैयारी करना शुरू हुए हैं, अभी तो बहुत बड़ा रास्ता चलना है, अभी तो काफ़ी चीज़ों से अभी बैक ऑफ करना है, अभी तो हम काफ़ी गुम हैं इस दुनिया में, अभी तो बहुत ही गुनाहगारों की लाइन में चल रहे हैं। बस अल्लाह हम सबको हमारी आखिरत से पहले, मतलब आखिरी टाइम से पहले, मरने से पहले हमें अल्लाह को राज़ी करने की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह अपने आप को ही राज़ी करने की तौफीक, क्योंकि अल्लाह अगर हमारे से राज़ी है तो हमारी जो मौत है वो हमारे लिए एक हैप्पीनेस का टाइम बन जाता है ना, वो खुशी का टाइम बन जाता है, और ये इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। मतलब कि आपको फिर अल्लाह से मिलना है, आप अल्लाह आपसे राज़ी है तो फिर आपको मौत भी स्वीट लगती है, और आप अल्लाह से मिलना चाहते हो, अगर आपको पता है अल्लाह आपसे राज़ी है तो अल्लाह आपसे और वो यहाँ पर जब मैं आया था तो एक ही बात ये कि जो हम खुद ही एक मौलवी हैं, हमारा दिल खुद ही एक मौलवी है, हमें किसी मौलाना से पूछने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ पे गलत हो कहाँ पे नहीं, आपको खुद ही पता होता है आप कहाँ पे गलत हो कहाँ पे सही हो, आप वो काम छोड़ दो, वो काम ख़त्म कर दो। तो जी करंटली यहाँ पे उबर और क्रीम नहीं चलती, जिसकी वजह से अब रात को लेट हो गया, तो अब उनको ऑटो भी नहीं मिल रहा, एंड दिस इज़ what I'm doing, walking towards my destination, और destination मेरा घर ना कुछ भी नहीं है, मैंने मैकडोनल्ड जा रहे हैं 2.2 किलोमीटर्स ओनली। ये रिक्शा जा रहा है मगर ऑपोजिट साइड पर, और ये रिक्शा भी कुछ और, एंड ऑन माई राइट साइड कब्रिस्तान है। अल्लाह हम सबको बस तौफीक दे तौफीक दे तौफीक दे। इतना मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता ना, भूत जितना भूतों से लगता है। हाय हाय। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मैकडोनल्ड तो पहुंच गए, आगे का रास्ता भी तय कर लेंगे। अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और ये मैकडोनल्ड अच्छा बना हुआ है यार, मैकडोनल्ड सारे ही अच्छे होते हैं, अपन को जो पसंद है। बताऊँ तो जब मैं आ रहा था ना रिक्शे पे बैठ के, तो बड़ा स्केरी था, क्योंकि लिटरली कोई नहीं था, और मुझे ऑब्वियस बात है थोड़ा थोड़ा डर रहा था, अनजान इलाका, अनजान शहर, अनजान लोग, और रात का टाइम ऊपर से, और बिल्कुल ही डेड रोड थी, कोई नहीं था दूर तक। तो बस अभी भी हम घर थोड़ा पहुँचे, अभी तो बड़ा लंबा रास्ता है। جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة भाई लाइट में जो शुगर लगी ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैकडोनल्ड क्लोज हो गया हुआ था भाई जी, मैकडोनल्ड क्लोज हो गया था, अंदर गया था, उन्होंने कहा आप तो वॉशरूम के नए हैं बाहर जाएंगे, इधर बैठने की भी अलाउंस नहीं है कोरोना की वजह से। तो भाई सीधी सी बात है, और ऊपर से डैड भी परेशान हो रहे हैं। अब मैंने ड्राइव थ्रू के थ्रू दिए पकड़ लिए अपने बर्गर और शेक वगैरह, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। अब रिक्शा भी नहीं मिल रहा यहाँ पे, रिक्शा मिल जाए अल्लाह करे किसी, मैं डेवो वगैरह जाके ना वहाँ पे जाके ना करता हूँ, क्या कहते हैं, खाता हूँ सुकून से। यहाँ पे तो सिटिंग भी नहीं है, मेरा बर्गर ठंडा हो जाना है यार, अब उनके बर्गर ही ठंडे हो जाने, क्या करें अपन। अब अल्लाह दी सुर दे, अल्लाह दे हाल रहेंगे माने।
अनजान जगह, अनजान शहर, ना गड्डी ना कुछ, अब कुछ मिल जाए यहाँ पे। अच्छा तो यार बड़ी कन्फ्यूजन सी है मुझे, अभी मैं जीटी रोड के ऊपर हूँ, जीटी रोड के बाद मुझे रिक्शा कहाँ से मिलना है इस टाइम हैं? ये एक बहुत टेंशन की बात है हकीकत में। और 11 किलोमीटर दूर है, 11 किलोमीटर मेरे हाथ में बर्गर है जो ठंडा होने को आ रहा है, यकीन मानो बड़े महंगे बर्गर हैं भाई, शेक मेरा पिघल ना जाए यार। लाइफ हो तो ऐसी हो भाई, हमारी चिंची भी मिली है तो उसका भी पेट्रोल खत्म हो गया भाई, कमाल है यार। चल जाएगी उठाने से, पेट्रोल पंप तक पहुँच गए और अपनी गाड़ी देखो पेट्रोल के पक्के मारती रहती है, चिंची ले लेनी चाहिए, बड़ा स्कोप है यार। Finally, अब मैं इधर इनके वेटिंग एरिया में बैठ के तो खाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि लाहौर कह रहा हूँ आने वाले जाने का क्या सीन है। यहाँ पे आना भी एक नेमत है, घर वालों को आधी टेंशन कम हो जाएगी कि चलो आई एम इन अ सेफ प्लेस, और मुझे भी आधी टेंशन कम हो जाएगी आई एम इन अ सेफ प्लेस। तो बस अभी तो पार्टी शुरू ही है, मैं सोच रहा हूँ इतना टाइम लग जाएगा, रात के क्या टाइम हो रहा है, 11:09, डैड मुझे कहते हैं बेटा तू किसी को साथ लेके जाएगा, अकेले मत जाएगा यार। और हकीकत है मुझे साथ लेके जाना चाहिए, हालात अच्छे नहीं है अली, वो ज़माना नहीं रहा यार, इतना सोना मुंडा। अच्छा तो यार मैं टर्मिनल पे बैठा हूँ और अभी 12 मिनट हैं तो मैं अपना लंच कर सकता हूँ, और सही बात है चिंची पे जाना अकेले सफर करना मेरे, ये तो मेरी किस्मत ख़राब है इस बर्गर के लिए जो अभी माशाल्लाह से तबाह हो गए, इसको मैं सेट करता हूँ मिनट, फिर मैं खाता हूँ फिर आप लोगों से। ويبلغ سعد إلى منتهى.